अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सातवीं किस्त के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का में ज़बरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर ये सैलाब इस कदर ज़बरदस्त था कि बंद तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के ज़बरदस्त रेले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए। इससे पहले एक मरतबा ये दीवारें आग लग जाने की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी, और ये वाकया इस तरह हुआ था कि एक मरतबा कोई औरत काबे को धुनी दे रही थी कि इस आग में इसकी एक चिंगारी उड़कर काबे के पर्दों तक पहुँच गई। उससे उसके पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गईं। इस तरह दीवारें बहुत कमज़ोर हो गई थी, यही वजह थी कि सैलाब ने इनको कमज़ोर कर दिया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थी वो 9 गज ऊंची थी। इन पर छत नहीं थी, लोग काबे के लिए नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबुएं वगैरह होती थी। काबे के अंदर जो कुआं था ये सब नजराने इस कुएं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएँ तरफ था, इसको काबे का ख़जाना कहा जाता था। काबे के ख़जाने को एक मरतबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की, लेकिन चोर कुएं में ही गिर के मर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। यह सांप कुएं के मुनेर पर बैठा रहता था, किसी को ख़जाने के नज़दीक नहीं आने देता था। कुरैश भी इससे खौफज़दा रहते थे। अब जबकि काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए और नए सिरे से इसकी तामीर का मसला पेश आया, तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा, वो इस सांप को ले गया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबे की तामीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज़्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाएगा ताकि काबे में कोई दाखिल न हो, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वो इजाज़त दें। अब उन्होंने पत्थर जमा किए, हर कबीले अपने हिस्से के पत्थर अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया, चंदे में उन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मसलन तवायफों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल गजब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी, और पाक कमाई उन्होंने बिला वजह नहीं दी थी। एक ख़ास वाकया पेश आया था जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। वो वाकया यूं था, एक कुरैशी सरदार अबू वहब उमरो बिन आबिद ने जब ये काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर इसके हाथ से निकल कर फिर उसी जगह पहुँच गया जहाँ से उठाया गया था। इस पर कुरैशी हैरानों परेशान हुए। आखिर खुद वहब खड़ा हुआ, बोला, ए गुरु कुरैश, काबे की बुनियादों में सिवाय पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्ला की तामीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या ज़बरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज़ शामिल न करना। ये वहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का मामू थे और अपनी कौम में एक शरीफ आदमी थे। जब कुरैश के लोग खाना काबा की तामीर के लिए पत्थर ढूंढ रहे होते थे तो इनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढूंढने में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर अपनी गर्दन पर रख कर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिरने से कहीं इन पर कोई मुसीबत ना नाजिल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुगैरा ने कहा, काबे की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इसलाह और मरम्मत का है या इसको ख़राब करने का? जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मरम्मत और इसलाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इसलाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ही ने गिराने के काम की इब्तदा की, लेकिन इसने भी सिर्फ एक हिस्सा ही गिराया था ताकि मालूम हो जाए कि इन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब रात खैरियत से गुजर गई तब दूसरे दिन सब लोग इसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक इसकी बुनियाद तक पहुँच गए। ये बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊंट के कोहान की तरह के थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन लोगों के लिए इनका तोड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली, वह तहरीर सरियानी जबान में लिखी हुई थी। इन्हें सरियानी जबान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया, इसने वो तहरीर पढ़कर इन्हें सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूँ, मक्का का मालिक, जिसको मैंने इस दिन पैदा किया, जिस दिन मैंने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चांद बनाए, मैंने इसको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के जरिए घेर दिया। इसकी अजमत उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि इसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं।
इन पहाड़ों से मुराद एक तो अबू केस पहाड़ है जो कि सफा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा केकान पहाड़ है जो मक्का के करीब है और जिसका रुख अबू केस पहाड़ की तरफ है। और ये शहर अपने बाशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बाबरकत और नफा वाला है। ये पहली तहरीर थी। दूसरी मकाम इब्राहिम से मिली, इसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मौज़म शहर है। इसका रिस्क तीन रास्तों से इसमें आता है। यहाँ तीन रास्तों से मुराद कुरैश के तीन तिजारती रास्ते हैं। इन रास्तों से काफले आते जाते थे। तीसरी तहरीर इससे कुछ फासले से मिली, इसमें लिखा था, जो बलाई बोएगा लोग इस पर रश्क करेंगे, यानी इस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रसवाई बोएगा वो रसवाई और नदामत पाएगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो, हाँ ये ऐसा ही है जैसे कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। ये तहरीर काबे के अंदर पत्थर पर खुदी हुई मिली। काबे की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी ज़रूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की ज़रूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज़ अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज उस मकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है। ये पहले ये मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का के करीब तीन साहिल ही थे। साहिल से टकरा कर जहाज टूट गया। वो जहाज किसी रूमी ताजिर का था। इस जहाज में शाहरूम के लिए संगमरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को इस जहाज के बारे में पता चला तो ये लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तामीर में इस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाना काबा की तामीर का काम हजरे अस्वद तक पहुंच गया। अब यहाँ एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि हजरे अस्वद कौन उठाकर इसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मरने मारने तक नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीला अबुलदार ने तो कबीला अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और उसमें अपने हाथ डबोकर कहा, हजरे अस्वद हम रखेंगे। इसी तरह दूसरे कबीले भी अड़ गए। तलवारें नयामों से निकल आई। आखिर वो सब बैतुल्ला में जमा हुए। इन लोगों में अबू उमैया बिन मुगैरा था, इसका नाम हुजैफा था। कुरैश के पूरे कबीले में ये सबसे ज्यादा उम्र वाला था। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सफ़र सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफ़र करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। इस वक्त इस शदीद झगड़े को ख़त्म करने के लिए इसने एक हल पेश किया। इसने सबसे कहा, एक कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा ख़त्म करने के लिए तुम यूँ करो कि हरम के सफ़ा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फैसला करवा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वो सब उसको मान लें। ये तजवीज सब ने मान ली। आज उस दरवाजे को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। ये दरवाजा रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियानी हिस्से के सामने है। अल्लाह की कुदरत के इस दरवाजे से सबसे पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कुरैश ने जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा पुकार उठे, ये तो अमीन हैं, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम इन पर राजी हैं। और इनके ऐसा कहने की वजह यह थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कराया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की बेजा हिमायत नहीं करते थे, ना बिला वजह किसी की मुखालफत करते थे। फिर उन लोगों ने अपने झगड़े की तफसील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। सारी तफसील सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चादर को बिछाया और अपने दस्ते मुबारक से हजरे अस्वद को उठाकर इस चादर पर रख दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर सब मिलकर उसको उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाए हुए वो इस मकाम तक आ गए जहाँ हजरे अस्वद को रखना था। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को उठाकर इसकी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐन उसी वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, बड़े ताज्जुब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया है, इसकी इज्जत अफजाई में लग गए हो। याद रखो, ये शख्स सबको ग्रोहों में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। करीब था कि लोगों में इसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने महसूस कर लिया कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है वो लड़ाने वाला नहीं, लड़ाई खत्म करने वाला है। चुनाचा हजरत अस्वद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से इसकी जगह पर रख दिया। मौरखों ने लिखा है, ये नजदीक शख्स दरअसल इबलीस
इबलीस था जो इस मौके पर इंसानी शक्ल में आया था। जब काबे की तामीर मुकम्मल हो गई तो कुरैश ने अपने बुतों को फिर से उसमें सजा दिया। काबे की यह तामीर जो कुरैश ने की चौथी तामीर थी। सबसे पहले काबे को फरिश्तों ने बनाया था। बाद सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया है कि जमीन और आसमान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर था। जब अर्श को पानी पर होने की वजह से हरकत हुई तो इस पर यह कलमा लिखा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। इस कलमे के लिखे जाने के बाद अर्श साकिन हो गया। फिर जब अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उसने पानी पर हवा को भेजा। इससे पानी में मौजें उठने लगी और बुखारात उठने लगे। अल्लाह ताला ने उन बुखारात यानी भाप से आसमान को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने काबे की जगह से पानी को हटा दिया, जगह खुश्क हो गई। चुनाचा यही बैतुल्ला की जगह सारी जमीन की असल है और इसका मरकज है। यही खुश्की बढ़ते बढ़ते सात बर्रे आजम बन गई। जब जमीन जाहिर हो गई तो इस पर पहाड़ कायम किए गए। जमीन पर सबसे पहला पहाड़ अबू कबीस है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया, जमीन पर मेरे नाम का एक घर बनाओ ताकि आदम की औलाद उस घर के जरिए मेरी पनाह मांगे। इंसान उस घर का तवाफ करे जिस तरह तुमने मेरे अर्श के गिर्द तवाफ किया है ताकि मैं उनसे राजी हो जाऊं। फरिश्तों ने हुक्म की तामील की। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबे की तामीर शुरू की। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबे की तामीर की। इस तरह कुरैश के हाथों ये तामीर चौथी बार हुई थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई तो वही के आसार शुरू हो गए। इस सिलसिले में सबसे पहले आपको सच्चे ख्वाब दिखाई देने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते वो हकीकत बनकर सामने आ जाता। अल्लाह ताला ने सच्चे ख्वाबों का सिलसिला इसलिए शुरू किया कि अचानक फरिश्ते की आमद से कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ ज़्यादा ना हो जाएं। इन दिनों एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, जब मैं तनहाई में जाकर बैठता हूँ तो मुझे आवाज़ सुनाई देती है, कोई कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे एक नूर नज़र आता है, ये नूर जागने की हालत में नज़र आता है, मुझे डर है इसके नतीजे में कोई बात ना पेश आ जाए। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे जितनी नफरत इन बुतों से है इतनी किसी और चीज़ से नहीं। वही के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते इसराफील को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमदम बनाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी मौजूदगी को महसूस तो करते थे मगर इन्हें देख नहीं सकते थे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की खुशखबरियाँ दी जाती रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के लिए तैयार किया जाता रहा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तन्हाई का शौक पैदा फरमा दिया। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई अजीज़ हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में चले जाते और वहाँ वक्त गुजारते। इस पहाड़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार आवाज़ भी सुनाई दी थी, मेरी तरफ तशरीफ़ लाइए ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल कई कई रातें गुजारते, अल्लाह की इबादत करते। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन रातों तक वहाँ ठहरे रहते, कभी सात रातों तक, कभी पूरा महीना वहाँ गुजार देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खाना साथ ले जाते थे जब ख़त्म हो जाता तो घर तशरीफ़ ले जाते। ये खाना आम तौर पर जैतून का तेल और खुश्क रोटी होता था, कभी खाने में गोश्त भी होता था। गारे हिरा में कयाम के दौरान कुछ लोग वहाँ से गुजरते और उनमें कुछ मिस्कीन लोग होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खाना खिलाते। गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किस तरह करते थे रिवायत में इसकी वजाहत नहीं मिलती। उलमा कराम ने अपना अपना ख्याल ज़रूर जाहिर किया है। इनमें से एक ख्याल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की हकीकत पर गौर व फिक्र करते थे और ये गौर व फिक्र लोगों से अलग रहकर ही हो सकता था। फिर आखिरकार वो रात आ गई जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत अता फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के जरिए अपने बंदों पर अजीम एहसान फरमाया। वो रबी अव्वल का महीना था और तारीख 17 थी। बाज़ उलमा ने यह लिखा है कि वह रमज़ान का महीना था क्योंकि कुरान रमज़ान में नाजिल होना शुरू हुआ था। आठवीं और तीसरी तारीख भी रिवायत में आई है
और ये पहला मौका था जब जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इससे पहले वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आए थे। जिस सुबह जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आए वो पीर की सुबह थी, और पीर की सुबह ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, पीर के दिन का रोज़ा रखो क्योंकि मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूँ, पीर के दिन ही मुझे नबूवत मिली। बहरहाल इस बारे में रिवायत मुख्तलिफ हैं। ये बात तय है कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक का 40वां साल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नींद में थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। इनके हाथ में एक रेशमी कपड़ा था और उस कपड़े में एक किताब थी। दोस्तों, यहाँ पर हमारी किस्त का इख्तिताम हुआ। अगली नई किस्त के साथ आपके सामने इंशाल्लाह अगले दिन पेश होंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।